आप सुन रहे हैं हिंदी साहित्य की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी हुई कहानी परीक्षा। नादिर शाह की सेना ने दिल्ली में कत्लेआम कर रखा है। गलियों में खून की नदियाँ बह रही हैं। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। बाजार बंद है। दिल्ली के लोग घरों के द्वार बंद किए जान की खैर मना रहे हैं। किसी की जान सलामत नहीं है। कहीं घरों में आग लगी हुई है, कहीं बाजार लूट रहा है। कोई किसी की फरियाद नहीं सुनता। रईसों की बेगमें महलों से निकाली जा रही हैं और उनकी बेहूरती की जाती है। ईरानी सिपाहियों की रक्त पिपासा किसी तरह नहीं बुझती। मानव हृदय की क्रूरता, कठोरता और पैशाचिकता अपना विकरालतम रूप धारण किए हुए है। इसी समय नादिर शाह ने बादशाही महल में प्रवेश किया। दिल्ली उन दिनों भोग विलास की केंद्र बनी हुई थी। सजावट और तकल्लुफ के सामानों से रईसों के भवन भरे रहते थे। स्त्रियों को बनाव श्रृंगार के सिवा और कोई काम न था। पुरुषों को सुख भोग के सिवा और कोई चिंता न थी। राजनीति का स्थान शेरो शायरी ने ले लिया था। समस्त प्रांतों से धन खींच खींच कर दिल्ली आता था और पानी की भांति बहाया जाता था। वेश्याओं की तो चांदी थी, कहीं तीतरों के जोड़ होते थे, कहीं बटेरों और बुलबुलों की पालियां ठनती थीं। सारा नगर विलास निद्रा में मग्न था। नादिर शाह महल में पहुंचा तो वहां का सामान देखकर उसकी आंखें खुल गईं। उसका जन्म दरिद्र घर में हुआ था। उसका समस्त जीवन रणभूमि में ही कटा था। भोग विलास का उसे चस्का न लगा था। कहाँ रण क्षेत्र के कष्ट और कहाँ यह सुख साम्राज्य। जिधर आंख उठती थी उधर से हटने का नाम न लेती थी। संध्या हो गई थी। नादिर शाह अपने सरदारों के साथ महल की सैर करता और अपनी पसंद की चीजों को बटोरता हुआ दीवाने खास में आकर मसनद पर बैठ गया। सरदारों को वहां से चले जाने का हुक्म दे दिया। अपने सब हथियार रख दिए और महल के एक दरोगा को बुलाकर हुक्म दिया, मैं शाही बेगमों का नाच देखना चाहता हूँ। तुम इसी वक्त उनको सुंदर वस्त्र आभूषणों से सजाकर मेरे सामने लाओ। खबरदार, जरा भी देर ना हो। मैं कोई उज्र या इनकार नहीं सुन सकता। दरोगा ने यह नादिर शाही हुक्म सुना तो होश उड़ गए। वह महिलाएं जिन पर सूर्य की दृष्टि भी नहीं पड़ी कैसे इस मजलिस में आएंगी। नाचने का तो कहना ही क्या। शाही बेगमों का इतना अपमान कभी ना हुआ था। हाय नर पिशाच, दिल्ली को खून से रंगकर भी तेरा चित्त शांत नहीं हुआ। मगर नादिर शाह के सम्मुख एक शब्द भी जबान से निकालना, अग्नि के मुख में कूदना था। सिर झुकाकर अदाग लाया और आकर रनिवास में सब बेगमों को नादिर शाही हुक्म सुना दिया। उसके साथ ही यह इत्तला भी दे दी कि जरा भी तामूल ना हो। नादिर शाह कोई उज्र या हीला ना सुनेगा। शाही खानदान पर इतनी बड़ी विपत्ति कभी नहीं पड़ी। पर उस समय विजयी बादशाह की आज्ञा को शिरोधार्य करने के सिवा प्राण रक्षा का अन्य कोई उपाय नहीं था। बेगमों ने यह आज्ञा सुनी तो हतबुद्धि सी हो गई। सारे रनिवास में मातम सा छा गया। वह चहल पहल गायब हो गई। सैकड़ों हृदयों से इस सहायता याचक लोचनों से देखा। किसी ने खुदा और रसूल का सुमिरन किया पर ऐसी एक भी महिला न थी जिसकी निगाह कटार या तलवार की तरफ गई हो। यद्यपि इनमें कितनी ही बेगमों की नसों में राजपूतानियों का रक्त प्रभावित हो रहा था पर इंद्रिय लिप्सा ने जोहर की पुरानी आग ठंडी कर दी थी। सुख भोग विलास की लालसा आत्मसम्मान का सर्वनाश कर देती है। आपस में सलाह करके मर्यादा की रक्षा का कोई उपाय सोचने की मोहलत ना थी। एक एक पल भाग्य का निर्णय कर रहा था, हताशा का निर्णय कर रहा था। हताश होकर सभी रानियों ने पापी के सम्मुख जाने का निश्चय किया। आंखों से आंसू जारी थे, अश्रु सिंचित नेत्रों में सुरमा लगाया जा रहा था और शोक व्यथित हृदयों पर सुगंध का लेप किया जा रहा था। कोई केस गूंथती थी, कोई मांगों में मोतियां पिरोती थी।
एक भी ऐसे पक्के इरादे की स्त्री न थी जो ईश्वर पर अथवा अपनी टेक पर इस आज्ञा का उल्लंघन करने का साहस कर सके। एक घंटा भी ना गुजरने पाया था। बेगमात पूरे के पूरे आभूषणों से जगमगाती, अपने मुख की कांति से बेले और गुलाब की कलियों को लजाती, सुगंध की लपटें उड़ाती, छम छम करती हुई दीवाने खास में आकर नादिर शाह के सामने खड़ी हो गई। नादिर शाह ने एक बार कनखियों से परियों के इस दल को देखा, तब मसनत की टेक लगाकर लेट गया, अपनी तलवार और कटार सामने रख दी। एक क्षण में उसकी आंखें झपकने लगीं। उसने एक अंगड़ाई ली और करवट बदल ली। जरा देर में उसके खर्राटों की आवाज़ सुनाई देने लगी। ऐसा जान पड़ा कि गहरी निद्रा में मग्न हो गया है। आध घंटे तक वह सोता रहा और बेगमें ज्यों की त्यों सिर नीचा किए दीवार के चित्रों की भांति खड़ी रहीं। उनमें दो एक महिलाएं जो ढीठ थीं, घूंघट की ओट से नादिर शाह को देख भी रही थी और आपस में दबी जबान में कानाफूसी कर रही थी। कैसा भयंकर स्वरूप है, कितनी रणोन्मत्त आंखें हैं, कितना भारी शरीर। आदमी काहे का है, देव है। सहसा नादिर शाह की आंखें खुल गईं। परियों का दल पूर्ववत खड़ा था। उसे जागते देखकर बेगमों ने सिर नीचे कर लिए और अंग समेटकर भेड़ों की भांति एक दूसरे से मिल गईं। सबके दिल धड़क रहे थे कि अब यह जालिम नाचने गाने को कहेगा तब कैसा होगा। खुदा इस जालिम को समझे, मगर नाचा तो ना जाएगा, चाहे जान ही क्यों ना जाए। इससे ज़्यादा जिल्लत अब न सही जाएगी। सहसा नादिर शाह कठोर शब्दों में बोला, ए खुदा की बंदियों, मैंने तुम्हारा इम्तहान लेने के लिए बुलाया था और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि तुम्हारी निस्बत मेरा जो गुमान था वह हर्फ सच निकला। जब किसी कौम की औरतों में गैरत नहीं रहती तो वह कौम मुर्दा हो जाती है। देखना चाहता था कि तुम लोगों में अभी कुछ गैरत बाकी है या नहीं, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया था। मैं तुम्हारी बेहुरमली नहीं करना चाहता था। मैं इतना ऐश का बंदा नहीं हूँ, वरना आज भेड़ों के गल्ले चराता होता। न इतना हवस परस्त हूँ, वरना आज फारस में सरोद और सितार की ताने सुनाता होता, जिसका मजा मैं हिंदुस्तानी गाने से कहीं ज़्यादा उठा सकता हूँ। मुझे सिर्फ तुम्हारा इम्तिहान लेना था। मुझे यह देखकर सच्चा मलाल हो रहा है कि तुम में गैरत का जौहर बाकी ना रहा। क्या यह मुमकिन ना था कि तुम मेरे हुक्म को पैरों तले कुचल देती। जब तुम यहाँ आ गई तो मैंने तुम्हें एक और मौका दिया, मैंने नींद का बहाना किया। क्या यह मुमकिन ना था कि तुम में से कोई खुदा की बंदी इस कटार को उठाकर मेरे जिगर में चुभा देती। मैं कलाम पाक की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं तुम में से किसी को कटार पर हाथ रखते देखकर मुझे बेहद खुशी होती। मैं उन नाजुक हाथों के सामने गर्दन झुका देता, पर अफसोस है कि आज तैमूरी खानदान की एक बेटी भी यहाँ ऐसी नहीं निकली जो अपने हुरमत बिगाड़ने पर हाथ उठाती। अब यह सल्तनत जिंदा नहीं रह सकती, इसकी हस्ती के दिन गिने हुए हैं। इसका निशान बहुत जल्द दुनिया से मिट जाएगा। तुम लोग जाओ और हो सके तो अब भी सल्तनत को बचाओ, वरना इसी तरह हवस की गुलामी करते हुए दुनिया से रुखसत हो जाओगी। तो यह थी मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखी हुई कहानी परीक्षा। आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आएगी।